आप देख रहे हैं अपना। मेरा नाम लीलावती लालचंद जायसवाल है, मैं राइटर हूँ प्रोफेशनल, लेकिन मुझे स्ट्रगल नहीं करना था इसलिए मैं प्रोड्यूसर भी बन गई हूँ कि मार्केट में मुझे जो देना है वो मैं सीधा दे सकूँ, बीच में मतलब कोई नहीं आ सके। जैसे अपन राइटर लिख के देता है, फिर प्रोड्यूसर का डायरेक्टर उसमें कट करता है, प्रोड्यूसर कुछ कट करता है, तो मुझे इसलिए प्रोड्यूसर बन रही हूँ कि मुझे समाज में जो पहुँचाना है वो डायरेक्ट पहुँचा सकता है। तो ये जो अभी कलयुग चल रहा है, इसमें जो अत्याचार बढ़ रहे हैं, आदमी अत्याचार देख के भी अनदेखा कर रहा है, तो उसके लिए क्या कलयुग में राम पैदा होंगे आपके? राम तो पैदा नहीं होंगे, लेकिन राम का कुछ अंश तो उसमें आ सकता है। अभी मेरा इसमें हीरो का रोल है इंस्पेक्टर का जी। इंस्पेक्टर मेरे जैसे बहुत सारे खर्च के आगे वो कोई झुकता है, कोई पैसे के आगे झुकता है, कोई नाम के आगे झुकता है। मनोरंजन रहेगा तभी दर्शक आएंगे, और दर्शक मनोरंजन के साथ में मैसेज भी लेके चले जाएंगे साथ में। सारे हमारे घर के परिवार सबसे पहले मैं सपोर्ट, मेरे हस्बैंड है साथ में, उनका सपोर्ट मेरा फुल सपोर्ट है कि हमारे जयसवाल समाज में प्रोड्यूसर करके पहली लेडीज ऑल इंडिया में शायद पहली होगी मैं, इसलिए मुझे गर्व लगता है कि मेरे पति मेरा साथ दे दिए कि मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और प्लस मेरे छोटे भाई के जैसे मनीष सर हैं, वो डायरेक्टर हैं और राइटर है, जो हमारे मेरे स्टोरी को इतना अच्छे से निखार के सामने लेके आ रहे हैं। लालचंद जायसवाल जी, ये हमारी मिसेज हैं जी। इन्होंने पहला इनका राइटर का कहानियाँ वगैरह लिख रही थी, अभी फिर पिक्चर थी, इन्होंने प्रोड्यूसर का काम भी संभाल लिए है, परिवार का पूरा सपोर्ट इनके साथ। अब इनकी फिल्म अच्छी हो, अच्छा अच्छे अपने सिल्वर जुबली वगैरह मनाए तो सब परिवार को यह सब चीज़ों की कामनाएं है। पहले से इनका लिखने का राइटर काम तो बहुत दिन से इनका चालू था जी। राइटर का मूवी अपना अपना छोटी मोटी मूवी वगैरह बना चुकी है, इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जेएसएल प्रोडक्शन करके। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, मेरा एक हिंदी मूवी बड़े चाहे बैनर से रिलीज आ रही है, बेवड़ा नाम है उसका जी जी। और मराठी मूवी भी आ रही है, मैत्री नगर प्रेमा करें, मई महीने में बेवड़ा पिक्चर जो है अपना अमित जी है, अमित जी बड़े सिंगर हैं, सब लोग उनको बहुत अच्छा लाइक करते हैं, और एक्टिंग भी उनको अच्छा लगा था, उनका जो रिहर्सल लिया गया था इंस्पेक्टर के रोल के लिए बहुत अच्छा लगा, क्योंकि तो सारा दुनिया जान रही है जी। उनके लिए कोई शंका ही नहीं है, नहीं राइटर प्रोड्यूसर बस 9% सपोर्ट करते हैं, जब तक जाए जब तक जागें जब तक लिखते रहें, एक मतलब चाय कॉफी कुछ लेती ही नहीं जी। किसी सक्सेस आदमी के पीछे किसी आदमी का हाथ रहता है, वैसे मुझे मेरे अपने सक्सेस के लिए मेरे हस्बैंड को बहुत साथ में सब लोगों को सब सारी दुनिया को बोलूंगी, मतलब मीडिया के हिसाब से जहाँ जहाँ जाएगा कि हर एक औरतों में हर एक औरत में कुछ ना कुछ खूबी रहती है, धरती पे जो भी आया है कुछ ना कुछ उसमें भगवान ने दिया हुआ है, खाली उसको ग्रोथ करने के लिए अगर समाज का हमारे समाज का भी बहुत सपोर्ट है हमें। और समाज की है महिला अध्यक्ष हैं जायसवाल समाज की जो मिली की जी, तो मैं मीडिया के माध्यम से बोलूँ कि हर हर जेंट्स अपने लेडीज को अपने वाइफ को सपोर्ट करे कि अपना अंदर की को भी बाहर ला सके। राइटिंग का काम था मेरा समाज के बुक में कुछ, तो मैं इस इंडस्ट्री एरिया में सिर्फ 3 साल हुए आए हुए जी। इसके पहले मैं ऐसे ये करती थी, लेख वगैरह लिख के देती थी, तो हमारे समाज का एक बुक बना था उसमें एक मैंने एक छोटा सा लेख लिखा था, तो लेख के माध्यम से हमारे समाज के लोग ने मुझे इतना मतलब ये किया, मैडम बहुत अच्छा लिखती हो, अब उसको और निखार सकती हो और लोगों तक पहुँचाना, तो मैं लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का माध्यम, अभी बुक बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो मैंने ये माध्यम चुना है कि ये मेरे बातें मेरे विचार लोगों तक इस माध्यम से पहुँचे। तो ये कहेंगे कि इस बार जो मार्केट में भोजपुरी में आएगा तो कुछ हटके आएगा,